नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे त्वचा के बड़े रोम छिद्रों को कैसे करें कम के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। बड़े पोज की समस्या। चेहरे की त्वचा के रोम छिद्र बताते हैं कि त्वचा कितनी स्वस्थ है, लेकिन कई लोगों के चेहरे पर अक्सर बड़े पोज अर्थात रोम छिद्र बड़े हो जाते हैं। उम्र के साथ ये रोम छिद्र बड़े होते जाते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ त्वचा की रौनक कम होती जाती है। ये बड़े खुले रोम छिद्र भद्दे लगते हैं और परेशान करते हैं। यह समस्या आमतौर पर तैलीय त्वचा में अधिक होती है। सौंदर्य विशेषज्ञों के अनुसार कई बार गलत मसाज करने से भी रोम छिद्र गैर जरूरी तौर पर खुल जाते हैं। हालांकि इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। चलिए जाने कैसे। रोज ठीक से साफ करें चेहरा। बड़े पोज के इलाज के लिए चेहरा रोज अच्छी तरह साफ करें। पोज दरअसल तब बड़े होते हैं जब गंदगी, तेल या बैक्टीरिया उनमें भर जाते हैं और सूजन पैदा करने लगते हैं। इसलिए सॉफ्ट क्लिंजर से नियमित रूप से अपना चेहरा धोएं, लेकिन केवल दो बार, सुबह और रात को सोने से पहले। अंडे का सफेद भाग। अंडे का सफेद भाग त्वचा को टोन और अस्थायी रूप से अपके पोज को छोटा करता है। इसे लगाने के लिए एक अंडे के सफेद भाग को कटोरी में डालकर उसमें नींबू आधा निचोड़ लें। इसे चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट तक लगा रहने के बाद ठंडे पानी से धो लें। आइस क्यूब। आइस क्यूब चेहरे पर हल्के हल्के लगाने से चेहरे के खुले पोज बंद होने लगते हैं। इससे त्वचा खूबसूरत भी दिखने लगती है। लेकिन ऐसा दिन में केवल 15 सेकंड 20 सेकंड ही करें। रात को सोने से पहले आइस क्यूब चेहरे पर लगाना सबसे बेहतर रहता है। टमाटर जूस या पैक। टमाटर के रस से चेहरे पर लगाकर कुछ देर तक मसाज करें। ऐसा हफ्ते में दो बार करें। या फिर टमाटर को पैक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक चम्मच चंदन पाउडर और एक चम्मच कियोलन पाउडर को टमाटर के गुदे में मिलाकर चेहरे पर लगाएं। सूखने पर पानी से धो लें। बड़े पोज की समस्या में लाभ होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूल। हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डंके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।